सो हेलो फ्रेंड, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में, मतलब हम अपने आप को पब्लिक के सामने कैसे प्रेजेंट करें, कैसे प्रमोट करें। तो इसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। मुझे लगा कि आप सभी के साथ में इसके बारे में बात करनी चाहिए। हो सकता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो, बट जो मुझे लग रहा वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के इस इंटरनेट के ज़माने में या फिर ऑनलाइन के ज़माने में। अपने आप को ग्रो करना, अपने बिजनेस को ग्रो करना, पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पर आपका जो बिजनेस है, आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो सर्विस है, पहले वो बाद में बिकता है। आपका जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, वो बाद में बिकता है, सबसे पहले लोग हमें वॉच करते हैं। तो हमें, अगर हम खासकर किसी बिजनेस में हैं, अगर हम खासकर किसी बिजनेस यानी कि ऑनलाइन बिजनेस में अगर हम काम कर रहे हैं, वो हमारा बिजनेस है और उसको हम ग्रो कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, अभी बना रहे हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, ग्रोइंग फेज में हैं, तो सबसे पहले हमें अपना पर्सनल ब्रांडिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लोग हमारे बारे में देखना चाहेंगे, हमारे बारे में वॉच करते हैं कि सूरज जी कैसे हैं, इनका बिहेवियर कैसा है, राइट। और हमारा बिहेवियर, हमारा बोलने का तरीका, हमारे बात करने का तरीका, एक दूसरे से व्यवहार करने का तरीका, अपने कंपनी के बारे में, बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में पब्लिक को बताना, हम कैसे बताते हैं, हमारा बिहेवियर कैसा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर हम पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे होते हैं, मतलब अपना प्रोडक्ट सेल करने से पहले हम अपनी ब्रांडिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोई भी प्रोडक्ट को, कोई भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए, कोई भी प्रोडक्ट को एज ए ऑनलाइन सेल करने के लिए। खासकर हम अगर ऑन पैसिव की बात करें फ्रेंड, तो ऑन पैसिव को अभी हम बना रहे हैं, ये हमारा बिजनेस है और इस बिजनेस को अभी हम बिल्ड कर रहे हैं। और साथ में हम सभी बहुत ही लक्की हैं कि हम लोग यहाँ पे ऑन पैसिव के फाउंडर हैं, तो दिस इज आवर बिजनेस, ये हमारा बिजनेस है, हम इसको बना रहे हैं, इसको बिल्ड कर रहे हैं। तो ऑन पैसिव को यानी कि ऑन पैसिव के बारे में किसी को बताने से पहले इसके प्रोडक्ट के बारे में, इसके सर्विस के बारे में, इसके बिजनेस के बारे में, जो भी इसका बिजनेस मॉडल है, इसके बारे में किसी को बताने से पहले लोग आपको वॉच करेंगे, लोग आपको देखेंगे। अगर आपका व्यवहार, आपका बात करने का तरीका, आपका बॉडी लैंग्वेज, राइट, आपका लैंग्वेज, आप सब कुछ, एवरीथिंग इज परफेक्ट है, देन लोग आप में इंटरेस्ट लेंगे, राइट। आपके बिजनेस में इंटरेस्ट लेने से पहले लोग हमारे बारे में इंटरेस्ट लेते हैं, यानी कि हम में इंटरेस्ट लेते हैं जब हम उन्हें परफेक्ट दिखते हैं, हमारा बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग जब उनको परफेक्ट दिखाई देता है, तब वो इंटरेस्ट लेते हैं हमारे बिजनेस के बारे में जानने के लिए। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रेंड। हमें ऑन पैसिव को बिल्ड करना है, हमें ऑन पैसिव को ग्रो करना है, तो सबसे पहले हमें अपने आप को बिल्ड करना होगा, हमें अपने आप को इम्प्रूव करना होगा, अपने व्यवहार को, अपने बातचीत करने के तरीके को, राइट, ईच एंड एवरीथिंग हमें अपने आप को इम्प्रूव करना होगा। जब हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, तब ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे बिजनेस के बारे में, दैट मीन्स हमारे ऑन पैसिव के बारे में, ऑन पैसिव ब्रांड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानने की कोशिश करेंगे। तब इसके बाद हमारा जो ऑन पैसिव ब्रांड है, पर्टिकुलर जो हमारा ब्रांड है ऑन पैसिव, तब ये ग्रो होगा, यानी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम लोग इसके बारे में जानेंगे। जब लोग इसके बारे में जानेंगे, इसके विज़न के बारे में, इसके मिशन के बारे में, इसकी वैल्यू के बारे में, तब लोग हमारे प्रोडक्ट के बारे में, हमारे सर्विस के बारे में जानना स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो ब्रांड है, ये ऑन पैसिव है, ये क्या प्रोवाइड करने वाला है, इसकी इतनी बड़ी वैल्यू क्यों क्रिएट हो रही है, क्यों। तब लोग हमारे प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में और बिजनेस मॉडल के बारे में जानना स्टार्ट करेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग। और जब हमारा पर्सनल ब्रांड बिल्ड हो जाएगा, इसके बाद जो हमारा बिजनेस का ब्रांड है यानी कि ऑन पैसिव, जब ये बिल्ड हो जाएगा, इसके बाद हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, जस्ट हमें ब्रांड को बिल्ड करना होता है फ्रेंड्स। अगर यहाँ पर एग्जांपल दे एप्पल कंपनी की, तो एप्पल कंपनी जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है मार्केट में, तो यहाँ पर कस्टमर्स की लाइनें लग जाती हैं उसको बाय करने के लिए। क्यों? क्योंकि कस्टमर्स एप्पल जो ब्रांड है, राइट, जो ब्रांड है उस पर ट्रस्ट करती है, यानी कि अगर एप्पल कंपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो वो अच्छा होगा, बेहतर होगा, क्योंकि एप्पल कंपनी ने अपनी वैल्यू क्रिएट कर चुका है, अपने ब्रांड को बिल्ड कर चुका है, लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं, और विश्वास के साथ में, ट्रस्ट के साथ में उसका जो भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है उसको बाय करते हैं, मैक्सिमम लोग उसको बाय करते हैं, लाइनें लग जाती हैं उसके प्रोडक्ट को बाय करने की। यहाँ पर अमेजोन की बात करें या भी किसी भी जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, जो ब्रांड हैं, अगर उनकी एग्जाम्पल दें यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे पहले वो ब्रांडिंग करते हैं, अपना पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं, अपनी वैल्यू क्रिएट करते हैं। जब उनकी वैल्यू क्रिएट हो जाती है, तब उनके प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है वो ऑटोमेटिक बिल्ड होती रहती है। सो फ्रेंड्स,
हमें अपनी वैल्यू को बढ़ाना है, सबसे पहले हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है, उसके बाद जो हमारा बिजनेस है वो इम्प्रूव होना स्टार्ट होगा। जब हमारा बिजनेस इम्प्रूव होना स्टार्ट होगा देन हमारे प्रोडक्ट को, हमारे सर्विस को लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको बाय करेंगे, उस सर्विस को यूज़ करेंगे, देन वहाँ पर हमें डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। तो ये हमेशा हमें याद रखना है कि हमें अपने पर्सनल ब्रांडिंग पर ज़रूर से ज़रूर ध्यान देना है फ्रेंड्स।